गिलास में पानी रखा है, पी लेना। पी लूंगा। माँ पानी तो गिर गया। गिरा दिया ना। माँ ये पानी गिलास गिर कर बह कैसे जाता है? बाकी बस्तियों तो नहीं बहती। पानी तरल होता है इसीलिए बह जाता है, बाकी वस्तुएं तरल नहीं होती इसीलिए नहीं बहती। तो बाकी वस्तुएं कैसी होती हैं माँ? बाकी वस्तुएं ऐसा है, तेरी अब मास्टरनी मौसी आती होगी, उसी से पूछ लेना। अरे दीदी बच्चों को क्या सिखा रही हो? अरे नमस्ते, ठीक हो तुम लोग? हाँ मौसी, तुम भी ठीक हो? हाँ बताओ दीदी क्या? अरे ये कुछ पदार्थ के बारे में पूछ रहा था, वही बता रही थी। अब तू आ गई है, तू ही इसे बता। तू स्कूल से थक के आई होगी ना, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। आओ बैठो बेटा नवीन, क्या जानना चाहते हो अब बताओ। और सपना बिटिया तुम्हें नहीं समझना पदार्थ के बारे में? हाँ हाँ मौसी मुझे भी समझना है। अरे तो आओ फिर, आओ जल्दी से। अब तुम दोनों ऐसा करो कि घर से कुछ वस्तुएं ले आओ। अरे अपने खिलौने लोने ले आओ, आओ जल्दी से आ जाओ। आओ हाँ ये बात ये ठीक। मौसी क्या ये वस्तुएं हैं? हाँ बेटा, हमारे घर के आस पड़ोस में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती हैं, जैसे लोहा, रबड़, लकड़ी, मिट्टी। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं होती हैं वे किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती हैं। तो अब हमने जान लिया कि वस्तुएं कैसे बनी होती हैं, पदार्थ से बनी होती हैं। ठीक है, अब हम तुम्हें पदार्थ के रूप बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे? पदार्थ के रूप। हाँ पदार्थ के तीन रूप होते हैं। ठीक, कितने रूप होते हैं? तीन रूप। ये बात, कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ये बात। अब सपना बिटिया ये डस्टर उठाओ और हाथ से दबाओ, देखो दबता है? नहीं मौसी ये तो बहुत कड़ा है। देखा, तो जो वस्तुएं कठोर होती हैं और जिनका आकार निश्चित होता है, ठीक है, और जो दिखाई देती हैं और जिनमें भार होता है, ठीक है, जैसे कि ये जिसमें भार होता है वो क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। ठीक, अब जैसे इसमें भी भार है, इसका आकार भी निश्चित है, ठीक, तो ये क्या हो गया? ठोस है। ठीक है, अब ये बताओ नवीन कि इस मेज पर जो सामान रखा है वो क्या है? मौसी मेज पर रखा हुआ सामान ठोस है, मगर ग्लास से गिरा हुआ पानी जब पदार्थ है। बिल्कुल ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि वो द्रव है। ठीक है, आप क्या जानेंगे? हम द्रव के बारे में जानेंगे। तो जो पदार्थ तरल होते हैं, ठीक है, और जो दिखाई देते हैं और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे ये देखो, पानी इस बर्तन में है, इस बॉटल में है, इसका आकार हो गया, ठीक है, तो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ। हाँ, अब जैसे ये प्लेट है, इसमें ये पानी डाला, ठीक, अब ये किसके आकार का हो गया बताओ? ये तो प्लेट के आकार का हो गया मौसी। बिल्कुल सही। ठीक है सपना, समझ में आया? अब सपना तुम एक काम करो, मुझे द्रव के उदाहरण बताओ। मौसी दूध और तेल, पानी। हाँ बिल्कुल सही, अब तुम्हें द्रव के बारे में सबको समझ में आ गया ना? हाँ मौसी, क्या पेट्रोल और डीजल भी द्रव होते हैं? और क्या, बिल्कुल, वो भी तो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, ठीक है, तो वो भी द्रव है। अब देखो द्रव का एक उदाहरण ये भी है, झरना है ना, झरने में जो पानी गिर रहा है ये भी द्रव है, तो कैसे गिरता हुआ कैसे आकार बदलता है, ठीक है, ये भी द्रव का है। तो अब हम लोगों ने क्या जान लिया? ठोस और द्रव के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे? गैस। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, तुम लोग गुब्बारे तो खूब खेलते होगे ना? हाँ। तो ये बताओ हमको कि जो गुब्बारे के अंदर गैस होती है, क्या होती है? हवा होती है, और वो ही एक गैस होती है, तो क्या होती है वो? गैस। बिल्कुल ठीक, क्या होती है? गैस। हाँ, तो जो पदार्थ दिखाई ना दे, ठीक है, और जिसका कोई निश्चित आकृति ना हो वो क्या होता है? गैस। बिल्कुल सही। अब गैस के उदाहरण सपना बताएगी। धुआं। हाँ। भाप। हाँ। और सांस। बिल्कुल सही। अब गैस का एक बढ़िया सा उदाहरण करके दिखाते हैं। जल्दी से जाओ भगोना उठा लो कोई अपने घर से, पानी डाल के जाओ जल्दी से, ग्लास तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये बात, अब इसको क्या करते हैं, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है इस भगोने में, अब इस ग्लास को इसके अंदर डालेंगे, देखना।
ये देखो ठीक, अब कहीं पानी गया ग्लास के अंदर? नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? क्योंकि ग्लास के अंदर गैस है, ठीक है। अब देखना कैसे गैस निकलती है इसकी। ये देखो बुलबुलों के रूप में गैस बाहर आ रही है, ठीक। और पानी ये अब भरा। समझ में आया कि गैस का उदाहरण तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ? कि जब तक उसके अंदर गैस थी पानी नहीं गया, दिखाई नहीं देती है लेकिन वो होती है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या जान लिया? ठोस, द्रव और गैस। अब नवीन बताएंगे पदार्थ के कितने रूप होते हैं। मौसी पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बिल्कुल सही। अब सपना बताएंगे कि ठोस किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका आकार निश्चित हो, जो दिखाई देती हैं, जिनमें भार हो और जो कठोर हो। हाँ ये बात बहुत बढ़िया। अब नवीन बताएंगे द्रव के बारे में। जो पदार्थ तरल होते हैं और जिनका आकार निश्चित नहीं होता है और जिनके अंदर भार होता है और जो दिखाई दे, क्या उसे तरल, बिल्कुल द्रव पदार्थ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब सपना बताएंगी ना गैस, बताओगी ना? चलो बताओ। वे वस्तुएं जिनका आकार निश्चित ना हो और जो जो दिखाई ना दे, ये बात वे गैस कहलाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो तब आप लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के बारे में जान लिया। हम लोग ऐसा करना कि ठोस, द्रव और गैस को पहचान लेना, ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं कल आके